वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान के साथ जो केंद्र सरकार का कानून लागू हुआ है, क्योंकि आज कैसा है, हम लोग किसान को मालूम नहीं उनको माल कहाँ बेचना है। हमको पहले मालूम था मंडी में माल बेचना है, लेकिन अब ऐसा है परिस्थिति है, हमको पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है लावारिस छोड़ दिया गया है, भाई किधर भी बेचो, लेकिन हमको एक सही दिशा नहीं बताया गया है। तो ऐसे कानून हमारे किसान के भाई के ऊपर अगर थोपा जाएगा तो हम लोग सारे राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता और हमारे पवार साहब खास करके कृषि मंत्री साहब को मालूम है, उनको सारे चीज़ को मालूम है किस तरह से कैसा लोगों का इतना साल से उन्होंने संभाला है। तो आज हम लोग किसान को सपोर्ट के लिए उतरे हैं सारे राष्ट्रवादी का तरफ से, और हमारे अंधेरी विधानसभा से खास करके हम लोग उनको पूरा समर्थन देंगे राष्ट्रवादी का कांग्रेस पार्टी का तरफ से, ताकि उनको सही न्याय मिले। इसके लिए हम लोग आज अंधेरी से लेके आज़ाद मैदान तक जय मार्च निकालने वाले। भाई बाइक जाने वालों नहीं, हम लोग यहाँ से एक माए बाइक से जाने वाले हैं, ताकि यहाँ के लोगों को किसान के समर्थन के लिए जो उतरे उनको भी ये सही मैच जाना है मालूम होना चाहिए जो ये गलत है, तो हम लोग इसके लिए यहाँ से लेंगे ताकि सारे लोगों को जानकारी मिलेगा। और फिर मुकाम करने वाला प्रोग्राम आगे रैली है आज, इसके आगे कुछ प्लान क्या? अगर एक काला कानून आपस नहीं लिया तो इससे ज़्यादा बड़ा तादाद में हम लोग अंधेरी विधानसभा से उतरेंगे, और इससे भी बड़ा तादाद में हम लोग मोर्च करेंगे, ताकि हर नाके में हर चौराहे में उनको विरोध करेंगे, ताकि एक काला कानून हमारा रिटर्न लेवे और किसान भाई को इनके जीने देवे। किसान भाई को ये अडानी अंबानी ऐसी बड़े कंपनी को लेके आके बिजनेस बेचने के लिए हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे, और हमारे राष्ट्रवादी का पार्टी का तरफ से तो बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे चाहते हैं किसान भाइयों को सही नहीं मिले, और इसके लिए हम लोग अगर उन्होंने एक काला कानून जल्द से जल्द आपस नहीं लिया तो हम लोग आने वाले दिनों में हर चौराहे में जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ताकि ये कानून रिटर्न लिया जाए।